रामगढ़ ताल पुलिस ने एक अंतर जनपदीय शातिर अपराधी को एक देसी तमंचा एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि रामगढ़ ताल थाना प्रभारी सत्य सान्याल शर्मा अपनी टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे। उसी दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर थाने के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल अभियुक्त को नहर रोड रुस्तमपुर के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान सागर गौंड पुत्र हरीश गौंड निवासी बडगो के रूप में हुई, जिसके पास से एक देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। सीओ कैंट ने बताया कि यह एक शातिर किस्म का लुटेरा है और स्थानीय थाने के टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। इससे पहले भी वह लूट व गैंगस्टर में जेल जा चुका है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ताल सत्य सान्याल शर्मा, उप निरीक्षक कमलेश कुमार यादव, उप निरीक्षक पुरुषोत्तम आनंद सिंह, कांस्टेबल अरविंद कुमार वर्मा, सचिन वर्मा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, रामगढ़ ताल पुलिस द्वारा एक सागर गौड़ नाम के लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। ये अत्यंत साथी लुटेरा है। इस पर लगभग 11 मुकदमे हैं, थाने का एचएस भी है। इस समय ये जब से छूट के आया तब से फिर सूचना मिली थी कि अवैध शस्त्र के साथ घूम रहा है और कोई लूट की योजना बना रहा है। आज उसी सिलसिले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से अवैध शस्त्र की जो सूचना थी वो सही निकली, वो भी बरामद हुआ है। इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।